तो दोस्तों ये है मेरी नेक्सॉन ईवी मैक्स। इलेक्ट्रिक कार लेते समय आपको सबसे ज्यादा जो चिंता सताती है वो होती है रेंज की, और रेंज के लिए यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस हैं नेक्सॉन ईवी मैक्स से लेके अलग अलग गाड़ियों के। बट इलेक्ट्रिक कार में इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे एरिया भी होता है। ग्रे एरिया मतलब डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रेंज इलेक्ट्रिक कार देती है। 43,000 किलोमीटर्स की एक्सपीरियंस में मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है इस गाड़ी के साथ, वो आज आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश और डॉक्टर गैजेट चैनल में आपका स्वागत है। मैंने इस चैनल पे आपको ओला S1 प्रो के बारे में काफ़ी डिटेल में और सबसे पहले जानकारी दी थी। लगभग 2 साल पहले मैंने गाड़ी ओन की थी, सबसे पहले कस्टमर्स में था मैं। फिलहाल मैंने ले ली है नेक्सॉन ईवी मैक्स, जो कि काफ़ी पॉपुलर या वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार है इंडिया में। तो सबसे पहली कंडीशन, मैक्सिमम रेंज क्या दे सकती है ये कंपनी। 453 का क्लेम करती है रेंज, और ख़ास तौर पे महिंद्रा की गाड़ी लॉन्च होने के बाद 453 का रेंज आया, जो सॉफ्टवेयर अपडेट से मिलने वाला था। बट रियलिटी में मैं बताऊँ तो आज तक के टिल डेट ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मुझे तो नहीं मिला है, और शोरूम पे पूछने पे भी वो यही बता रहे हैं कि फरवरी से जो आने वाला था अपडेट, आज अगस्त आ गया है तो भी अभी तक नहीं मिला है। तो 453 रेंज तो ये अभी बिल्कुल भी नहीं देगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप एसी ऑफ रखते हैं और 40 की स्पीड पे चलाते हैं तो आपको 370, 380 और 400 एकदम जीरो तक चलाएंगे तो 400 भी इसमें मिल सकता है। लेकिन हाँ, एम्बियंट टेम्परेचर पे भी वो वैरी करता है। एम्बियंट टेम्परेचर 25-26 डिग्री, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये 400 के भी रेंज दे सकती है, और नॉर्मल कंडीशंस में तो ये 400 की रेंज देगी। बट अगर गर्मी का समय है 42 डिग्री में ये गाड़ी लगभग 240 का ही रेंज दे पाएगी, अगर मैं जनरल रूटीन यूज़ करता हूँ विथ एसी, क्योंकि गर्मी में आप एसी के बिना तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। 240 का रेंज गिर जाता है इसका गर्मी के समय, क्योंकि इसको बैटरी को कूल करने के लिए और एसी का कूल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन होता है। फ़ैन नॉइस भी बढ़ जाता है, रेडिएटर में जो फ़ैन है वो काफ़ी तेज़ बजने लगता है, आवाज़ आती है उसमें से। मैंने राजस्थान के कुछ भाइयों का यूट्यूब वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि गर्मी के समय भी राजस्थान में भी सेम रेंज देती है, बट मैं उससे एग्री नहीं करता। और यहाँ पे ये बात भी बताना ज़रूरी है कि मैक्सिमम रेंज अगर आपको पाना है तो आपको 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाना है। 100 के ऊपर गए तो आपको रेंज जो है वो घट के बहुत कम मिलेगी। और सिटी मोड में मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स मोड अगर आपने थोड़ा भी यूज़ किया तो ये जो मिनिमम रेंज है ना 200 तक चला जाएगा। तो मिनिमम रेंज में इसका 200 बोलूँगा, जब 42 डिग्री टेम्परेचर है, एसी चालू है और आप जो है स्पीड का कोई भी लिमिट नहीं रखते हैं तो 200 ये रेंज दे देगा। अब डिफरेंट कंडीशंस की बात करें तो एम्बियंट टेम्परेचर की हमने बात कर ली, एसी ऑन ऑफ की बात कर ली, स्पीड की बात कर ली। अगर आप चार्जिंग भी डिफरेंट जगह से करते हैं तो आपको डिफरेंट रेंज मिलता है। कैसे डिफरेंट मिलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको बेस्ट रेंज चाहिए पहली चीज़, तो आप घर पर स्लो चार्ज करें, जो गाड़ी पर मिला हुआ है ट्रैवल चार्जर उससे वो आपको बेस्ट रेंज देगा। लेकिन उसमें भी अगर आपके घर का अर्थिंग वगैरह प्रॉपर है तभी आपको बेस्ट रेंज देगा। मेरे घर पे दो अलग अलग घरों पे मैं चार्ज करता हूँ तो मेरे को दो जगह से अलग अलग रेंज मिलते हैं। इसी के साथ अगर फास्ट चार्जर की बात करें तो अगर फास्ट चार्जर भी आप यूज़ करते हैं तो रेंज 300 से घट के लगभग 250 के अराउंड भी मिल सकता है आपको। उसमें भी अगर आप टाटा के फास्ट चार्जर से चार्ज करेंगे, जो डेल्टा का है या ABB का चार्जर है, उसमें आपको बेटर रेंज मिलता है। वही मैंने इंडियन ऑयल के चार्जर से चार्ज किया, जो कि किसी दूसरी कंपनी का है जिसका नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे। उसमें तो मुझे एक बार 240 का रेंज दिया, वो भी ले दे के। दोस्तों आज बहुत दुख की बात हो गई कि 95% किया था हमने, सिर्फ इतना ही रेंज निकाला है, 90% कम हो गया बैटरी, 10% बचा है, 227 किलोमीटर चले हैं जो कि क्लेम्ड रेंज से बहुत कम है। फास्ट और स्लो चार्जर में तो डिफरेंस है ही, फास्ट चार्जर के भी अलग अलग कंपनीज के चार्जर में डिफरेंट रेंज मिलती है। तो आप ये ना सोचें कि एक फास्ट चार्ज कर लिया एक बार तो आपको 300 का रेंज मिलेगा, फास्ट चार्जर में आपको कम रेंज मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक कार में चार्जर फास्ट है कि नहीं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटी क्या है, इस पर भी मैटर करता है। मतलब प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं, प्रॉपर वोल्टेज है कि नहीं, वहाँ पर आपने कितना लोड लिया हुआ है। अगर आपने कम लोड लिया हुआ है, वायर्स अगर पतले हैं तो वो हो सकता है कम रेंज दें वहाँ पे। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए प्रॉपर आप किसी जानकार आदमी से ही चेक करवा के प्रॉपर लोड के साथ ही अपने घर में चार्जिंग नॉर्मल सॉकेट 16 एम्पियर का वो लगवाएं तो आपको बेटर रेंज मिल पाएगा। और दोस्तों जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, आप एक आदमी बैठो या चार आदमी या पाँच आदमी, ऑलमोस्ट सेम रेंज देता है।
हाँ, टेरेन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। टेरेन मतलब रोड कैसी है, चढ़ाव है, प्लेन है या ऊपर नीचे रोड है। तो जैसे कि मैं 300 किलोमीटर जनरली इस गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा बार ट्रैवल किया है, जो मेरा एक रूटीन रूट है, उस पर एक घाट आता है जो लगभग 4-5 किलोमीटर का है। तो वहाँ पे मुझे जब मैं ढलान वाली मतलब जाते समय मेरे को ढलान पड़ता है, तो मेरे को 300-320 का रेंज आराम से मिल जाता है, विथ एसी भी मिल जाता है कई बार तो। लेकिन जब मैं वापस आता हूँ, यानी कि जब चढ़ाव पड़ता है उस मतलब उस घाट पे, तो मुझे लगभग 280-290 का ही रेंज मिल पाता है। तो 5 किलोमीटर के जो चढ़ाई वाले घाट है, वहाँ पे हर किलोमीटर में 1% कम होने लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का टेरेन कैसा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक कार के रेंज के लिए। साथ ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग का बहुत ज़्यादा 1-2-3 ये करने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। हाँ, ज़ीरो नहीं होना चाहिए रीजनरेशन। मैं जनरली 1 पे रखता हूँ और ढलान आने पे 2 रखता हूँ, तो इससे मुझे बेटर रेंज मिल पाता है। और दोस्तों, एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगा आपको, अगर आप नेक्सॉन ईवी मैक्स या नेक्सॉन ईवी ओन करते हैं या करना चाहते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 10% बैटरी के नीचे हमको कई बार ये दिक्कत आई है कि अचानक से बैटरी का हाई वोल्टेज सिस्टम फेलियर ऐसा दिखा देता है, उसके बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, आपको साइड में लगा के खड़ा होना पड़ता है। अब बैटरी भी ब्लिंक हो रही है भाइयों, ऐसे होता है जी। तो 10% से नीचे तो आप बिल्कुल ना जाएं। मैं भी कोशिश करता हूं कि 10% के नीचे ना जाएं, क्योंकि वो सेफ भी नहीं है, क्योंकि एक एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, आप किसी से ट्रक वगैरह से ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। और साथ ही वो 10% कब 3% हो जाए या 30 के बराबर होता है, तो वो कब हो जाए ये पता नहीं रहता। तो 10% से ऊपर ही आप कहीं भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का एम रखें, तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं। मैं अभी तक के एक बार ही फंसा हूँ इस गाड़ी के साथ, बाकी 43,000 किलोमीटर में कभी फंसने की नौबत नहीं आई। मैंने इसके साथ विशाखापट्टनम, हैदराबाद, मतलब 800 किलोमीटर के ट्रिप्स किए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है, बट एक बार ही फंसा था। उसका जो वीडियो है जल्दी मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि क्या दिक्कत हुई थी। आपको अभी ही बता देता हूँ, वहाँ ये दिक्कत हुई थी कि हमको नया रोड था, टेरेन नहीं पता था, और हमारी बैटरी 27% थी, और 2 घाट आ गए जो अपहिल वाले घाट थे, चढ़ाव वाले घाट थे, तो हमारी बैटरी ड्रास्टिकली 13-14 किलोमीटर बाद 10 के नीचे आ गई, और फिर हम 40 किलोमीटर घर पहुंचने से रह गए, तो ये दिक्कत आई। यही बोलना चाहूँगा, अनजान टेरेन में आप बेटर है कि 20-30% बैटरी में डेस्टिनेशन पहुँच जाएँ, ये एम रखें, तो आप कभी फंसेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मेरी नेक्सॉन ईवी मैक्स की रेंज के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई भी सुझाव या क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपके पास ये गाड़ी है नेक्सॉन ईवी मैक्स या प्राइम भी है, तो आप कितना रेंज निकाल पा रहे हैं, कौन सी जगह पे, ज़रूर बताएं कमेंट पे, ताकि हम सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।